एनिमेशन एंड वीएफएक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एनिमेशन यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एनिमेशन कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी टॉक एनिमेटर के आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कैरेक्टर के साथ लिंक कैसे करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने अगर क्रेजी टॉक एनिमेटर का जो ये हमारा फ्री कोर्स चला है उसके पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए। और अभी चलिए शुरू करते हैं। जो है यहाँ से कैरेक्टर ले लेते हैं, ये बेसिक सा कैरेक्टर है। अभी बेसिक लिंकिंग मुझे बताना है इसीलिए ये वाला कैरेक्टर सिलेक्ट किया है। और अभी इसमें जो है हम कुछ एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे ये थ्रो वाला एनिमेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी मुझे इसके हाथ में जो है कोई ऑब्जेक्ट को लिंक करवाना है, तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो प्रॉप्स में यहाँ से आउटडोर सीन्स में से ये जो स्ट्रीट लाइट है यही हमें इसके हाथ में लिंक करवानी है। छोटा कर लेते हैं, रोटेट करते हैं और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो लिंक बटन दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे हम कैरेक्टर पे लाएंगे तो उसके जो बोन स्ट्रक्चर है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जो हाथ का हैंड का बोन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हो रहा है तो ये जो है इसका जो हैंड है उसके साथ लिंक हो चुका है। अभी जब एनिमेशन करेगा तो देखिए इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से जब थ्रो कर देगा तो वो लिंकिंग निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस फ्रेम से जो है हमें लिंकिंग है, ठीक है, अनलिंक कर देना है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और अनलिंक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका लिंकिंग था वो रिमूव हो गया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको थोड़ा टाइमिंग के साथ इसको जो है लिंक अनलिंक करना है और वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको जो है थोड़ा एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का आप एनिमेशन करना चाहो तो लिंक और अनलिंक की मदद से हम ऑब्जेक्ट को पिक एंड ड्रॉप करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों हम देखते हैं इस इलास्टिक मोशन के बारे में। ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है अगर उसको हमें कुछ एनिमेशन अप्लाई करना है और रेडीमेड एनिमेशन ही यूज़ करना है, इलास्टिक मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है मैं पहले ढूंढ लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ से भी ये बॉल जो है हम इसको इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर इलास्टिक मोशन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर काफ़ी रेडीमेड एनिमेशन है, इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगी। ये जो है ट्रांजिशन इफेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये सारी जो मोशन है अभी आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहा है ऐसा दिखाने के लिए है। ठीक है, देखिए इस तरह का अगर रेडीमेड एनिमेशन देना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारी जो है इफ़ेक्ट्स रेडीमेड दी हुई है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमें इस तरह की एनिमेशन बनाने नहीं पड़ेंगे इजीली। ये जो थ्रो इन किया तो ये बॉल का जो है थ्रो होते हुए इस तरह से अलग अलग एनिमेशन आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। और ये जो है एग्जिट के लिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को भी स्क्रीन से बाहर भेजना चाहते हो तो ये वाला एग्जिट भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस इलास्टिक मोशन का यूज़ करके आप कम मेहनत में जो है अपना एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।